क्या ओमनीट्रिक्स किसी तरह की बैटरी पे चलती है जो उसे रिचार्ज होना पड़ता है? और अगर सच में ऐसा कुछ है तो ओमनीट्रिक्स उस बैटरी को चार्ज करने के लिए कहां से पावर लाती है? अब देखो, बेंटन में दिखाया गया टेको या कोई रियल लाइफ टेको, सब में एक बात कॉमन है कि हर चीज को चलने के लिए एक पावर सोर्स चाहिए, जो कि हमें बेंटन की सीरीज में अभी तक बताया नहीं गया कि आखिर ओमनीट्रिक्स किस पावर सोर्स पे चलती है। मतलब यार, ओमनीट्रिक्स को देख के इतना तो ऑब्वियस है कि इतने हाई लेवल टेक में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी कि वो अपने यूजर को ट्रांसफॉर्म करे और उसे ट्रांसफॉर्म ही रखे जब तक कि टाइम आउट नहीं हो जाता। अब देखो, ज्यादातर लोगों में ये कंफ्यूजन होती है कि ओमनीट्रिक्स का रिचार्ज मोड और टाइम आउट मोड एक ही फंक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टाइम आउट मोड इज मोर लाइक अ लिमिटर जो यूजर के डीएनए को एलियन डीएनए से ज्यादा देर तक जुड़ने नहीं देता। और अगर रिचार्ज मोड की बात करें जिसमें ओमनीट्रिक्स रेड कलर में ब्लिंक करती है, तो उसका मतलब होता है कि ओमनीट्रिक्स के पास अभी स्टॉक में उतनी पावर नहीं है कि यूजर को ट्रांसफॉर्म्ड ही रखे या उसे और कोई दूसरे एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवाए। और ये जरूरी नहीं कि एक या दो ट्रांसफॉर्मेशन बाद ओमनीट्रिक्स को रिचार्ज करना होगा। वैसे रिचार्ज की नौबत तभी आती है जब ओमनीट्रिक्स का बहुत ज्यादा हैवी यूसेज हो रहा हो, जैसे बेंटन एलियन फोर्स में वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एपिसोड में बेन अपनी ओमनीट्रिक्स से डीएन एलियंस को ठीक करता है और फिर ओमनीट्रिक्स का पावर खत्म हो जाने की वजह से वो रिचार्ज मोड में चली जाती है। चेतावनी, रिजर्व एनर्जी खत्म हो गई, ऑटो रिचार्जिंग चालू हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि ओमनीट्रिक्स रिचार्ज होने के लिए पावर कहां से लाती है? मोबाइल फोन्स की तरह उसमें कोई चार्जर तो कनेक्ट नहीं होता ना, तो आखिर वो पावर आती कहां से? तो इसका जवाब यह है कि ओमनीट्रिक्स में एक पावर जनरेटर है जो एक परपेचुअल मशीन है जो अपने आप ही सारी पावर जनरेट कर लेती है। देखो, अब अगर मैं परपेचुअल मशीन की बात कर रहा हूं तो परपेचुअल मशीन यानी ऐसी मशीन जो बिना किसी पावर सप्लाई के मोशन को अंजाम दे सकती है। और तुम में से कई लोगों ने ऐसी मशीन्स को YouTube पे पहले भी देखा होगा। अब देखो, परपेचुअल मशीन्स तो मोशन तक ही सीमित है, लेकिन ओमनीट्रिक्स एक एलियन टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है उसमें एक परपेचुअल एनर्जी जनरेटर रखा हो जो खुद में खुद पावर जनरेट कर लेता होगा। अब जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो बस इतना समझ लो कि ये काफी हद तक आयरन मैन के आर्क रिएक्टर जैसा ही है जो खुद में खुद पावर जनरेट करता है। इसीलिए जब सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में ओमनीट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन एक्टिवेट हुआ था, तब उसके फटने पर पूरा का पूरा यूनिवर्स खतरे में था। और ये खतरा छोटे से कोई एलियन डिवाइस के फटने की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर के पावर जनरेटर के फटने की वजह से था जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन होने के बाद अपने आप को चार्ज कर रहा था, वो भी कंटिन्यूअसली। तो उम्मीद है तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो पे एक लाइक कर दो और ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। ओके, बाय।